हड़ताल पर डाक कर्मचारी सरकार की नीतियों के खिलाफ खोला मोर्चा। सरकार द्वारा बनाए गए कुछ नियमों के खिलाफ डाक कर्मचारियों ने आज देशव्यापी हड़ताल किया है। हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने कहा है कि नई पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम पुनः लागू की जाए, साथ ही FR 56J व नियम 48 को समाप्त कर लेबर कानून को पूर्ववत रखा जाए। हड़ताल पर गए डाक कर्मचारियों ने कहा कि महंगाई भत्ता व पेंशन की महंगाई राहत के आदेशों को वापस किया जाए एवं उनके एरियर का भुगतान किया जाए। आइए दिखाते हैं रोहित पाटिल की इस खास रिपोर्ट में। किन मांगों को लेकर गया धरना पे? आज जो है हमारी 26 नवंबर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल सभी मजदूर संगठनों द्वारा आहवान है, जिसमें हमारे प्रमुख मांगे निम्न प्रकार हैं। पहली हमारी प्रमुख मांग है न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम में सभी कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारी, स्टेट कर्मचारी, सबको पुरानी पेंशन दिया जाए। दूसरा है हमारी प्रमुख मांग है नियम 56J के तहत 55 साल नौकरी या 30 वर्ष सेवा, 55 साल एज या 30 वर्ष सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को एक तरफा सरकार सेवानिवृत्त दे रही है, जो पूर्णतः गलत है और नियम विरुद्ध है। हम उसकी दूसरी मांग है। तीसरी मांग है जो 7वें वेतन आयोग की कमियां थी, जिनसे सरकार से हमारी चर्चाएं हुई थी और आश्वासन मिला था कि हम उनको पूरी करेंगे, लेकिन सरकार अभी तक वो नहीं किया और पीछे हट रही है। ये भी हमारी प्रमुख मांग है कि जो हमारे मंत्री समूह से, हमारे यूनियन के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हुई थी, उसको किया जाए। GDS हमारे डाक कर्मचारी संघ GDS ने उनको एक नियमित कर्मचारी का दर्जा देने के लिए कमलेश चंद्रा कमेटी, जो पे कमीशन था उनका, उन्होंने जो दिया था उसको आधा अधूरा सरकार ने लागू किया, उसको पूर्णतः लागू किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांग में से है। साथ में महंगाई भत्ता जो रोक दिया गया है पेंशनरों का, हमारे कर्मचारियों का, उनको दिया जाए, उनसे बात करें, न्याय जो मांगे हैं उनको उस पर यथार्थ कार्रवाई करें। एक दिवसीय अभी ये इस मामले को लेकर कई बार पहले भी है, इसके पहले हम लोग कई बार विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी, विज्ञप्ति देना, सरकार के साथ बातचीत सारी हुए, जब वो सहमत हमारी मांगों पर नहीं हुए तो हमको ये एक दिन की हड़ताल के लिए आगे आना पड़ा। अगर हमारी सरकार मांग पर विचार करती है और पूरा करती है तो हम लोग उनके साथ हैं, अगर नहीं करती तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व आगे इस पर निर्णय लेगा और हम लोग पुनः पूरे देश को बंद करने के लिए तैयार रहेंगे। कौन कौन से संगठनों का समर्थन है आज आपको और किस स्तर की हड़ताल है? NFP जो नेशनल है स्तर पर, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ, उसके सभी विंग, हमारे क्लास 3 पोस्टमैन, GDS सब लोग एक साथ हैं। साथ में हमारे डाक के साथ बीमा, LIC, अन्य केंद्रीय कर्मचारी और ट्रेड यूनियन, श्रमिक संगठन, आंगनबाड़ी कर्ता, आशा कार्यकर्ता, जो आज हमारी पेंडेमिक समय में निचले स्तर पर जितना मेहनत किया हमारे आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उनको उसके नाम पर पारिश्रमिक बहुत कम दिया जा रहा है। उनको न्यूनतम कम से कम 21,000 रुपये की जो मजदूरी है वो दिया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगों में है और वो सब आज हड़ताल में हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम सिद्धेश्वर सिंह, मैं संभागीय सचिव अपने डाक कर्मचारी वर्ग 3 का हूँ।